नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं संदीप जी के खेतों में, जहां पे इन्होंने नर्सरी लगा रखी है। करीब 14 एकड़ में अमरूद का बाग लगा रखा है। तो संदीप जी, जैसा हम आपके यहां दूसरे बाग में आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये कितनी एज के ये पौधे हैं और कितनी डेंसिटी पे लगा रखे हैं आपने? विनय भाई, अपने पास ये हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन हो रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ से पेड़ की दूरी 9 फीट है। और इन पेड़ों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। लगभग 3 साल के बाद इनकी टोटल एज 4 साल हो चुकी है और इनका सक्सेस रेट 100% रहा दूसरे खेत में आने के बाद। जैसे आपने जैसे इनकी कटिंग कर रखी है, कुछ ऐसा लग रहा है इसमें फुटाव बहुत ज़्यादा है। पहले 2 कल्ले निकले हैं, फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, कुछ ऐसा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा फुटाव है आपके पौधे, काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं। डेंसिटी पे अमरूद का बाग लगाओगे तो कटिंग करना सबसे ज़रूरी हो जाएगा। बिना कटिंग के आप इनको चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम में ये पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। इसमें सीधा सा हिसाब है कि पहले फल लो इन पर से, फल लेने के बाद इनकी कटिंग कर दो, उसके बाद नई जो ब्रांचेज आएंगे उन पर फिर से फल लगेगा। तो अंदाजन 4 साल में आपने कितनी बार कटिंग की है इन पौधों की? अमरूद के पेड़ों की कटिंग जनरली फरवरी में ही होती है, साल में एक बार होती है जी, और हर साल इसको करना पड़ता है। विनय भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अब इनमें फल लगना फिर से शुरू हो गया है, और कटिंग के बाद सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक एक फल नहीं लग के बंचेज में फल लगेगा, गुच्छों में लगेगा। और लगभग ये एक पेड़ हमें 60 से 70 केजी बड़े आराम से फ्रूट दे देता है। और आम जो है 60 से 70 जो आपने इनकी कैपेसिटी बताई एक पौधे की, ये करीब 3 से 4 साल के पौधे की बताइए? ये 4 साल के मैच्योर पेड़ की कैपेसिटी है। तो ये आपने जो इनमें मेहनत लगा रखी है, इतने ज्यादा कल्ले निकले हुए हैं, शायद आंधी तूफान से भी जो है इनको कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा, इनका बेस बन चुका है, तना मजबूत हो चुका है, जिसकी वजह से आंधी से अभी इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो किसान साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये 10 बाय 10 फुट के गैप पे ये जो है लगा रखे हैं पौधे, बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं, और हमें भी काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिला है। विनय भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे राइट में पेड़ है, इसकी कटिंग कर रखी है। मेरे लेफ्ट में जो पेड़ है, इसकी कटिंग हमने जानबूझ के नहीं की है, ताकि किसान भाइयों को इन दोनों का फर्क समझाया जा सके। कटिंग नहीं करने पे नुकसान ये है कि जो पेड़ में टोटल ताकत होती है, उसका मैक्सिमम हिस्सा जितनी ये लंबाई की टहनियाँ हैं ये ले लेती हैं। कटिंग करने के बाद जो इन टहनियों वाली ताकत थी, वो ये छोटी ब्रांचेज में ही मिल जाती है, जिसकी वजह से बंचेज में फ्रूट आते हैं। तो बिना कटिंग के उतना अच्छा रिजल्ट हम नहीं ले पाएंगे। किसानों से मेरा अनुरोध है कि हाई डेंसिटी पे लगे हुए अमरूद के बागों की फरवरी में कटिंग जरूर करें। अगर कटिंग नहीं कर पाए तो उतना अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिल पाएगा। विनय भाई, आखिर में मैं किसानों को एक काम की सलाह देना चाहूँगा डिपार्टमेंट की तरफ से। कोई भी किसान अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से में बाग जरूर लगवाए। उसका फ़ायदा उनको ये मिलेगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग किसानों के लिए स्कीमें हैं। बाग लगाने के बाद किसान को सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि उसको एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स भी मिल पाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बेनिफिट भी वो ले पाएगा।